शहर भी इस कैक्टस के फूल की तरह खिल उठेगा। अब रुक क्यों गए? आपने अचानक म्यूजिक बजाना बंद क्यों कर दिया? चिंचन, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। तुम फोटो लेना बंद करो। अगर ये अफवाह फैल गई तो हमारे शहर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये हिल रहा है। इस कैक्टस में जीने की बहुत ज्यादा शक्ति है। अगर किसी वजह से इनके टुकड़े हो जाएं, तो ये टुकड़े आपस में मिलकर एक नए कैक्टस का रूप ले लेते हैं। इस तरह ये अपनी प्रजाति को हमेशा बचाए रखते हैं। यही इनकी खास बात है। Thank you.
ठंडा तो नहीं है। चिंता मत करो, अभी तुम्हारा डायपर बदल देते हैं। हाँ, चुप हो जाओ। ओ, 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 सुनो शिनचान, ये लो। भरने के बाद अगर कोल्ड ड्रिंक मिलती है तुम्हें भरते ही रहूंगा। खास बात होती है वो ये कि ये खाने के लिए छोटे छोटे कीड़ों को खाता है। हो सकता है ये कैक्टस भी शायद उसी प्रजाति से हो। तो अब सब लोग जरा अपनी खिड़कियों से बाहर देखें। ये सारे कैक्टस इंसानों को निगल चुके हैं और अब एक ही दिशा में जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब उस बड़े कैक्टस के लिए खाना ले जा रहे हैं, जिस तरह से मधुमक्खियाँ रानी मक्खी के लिए खाना ले जाती हैं। वो क्या चीज है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अब हमें आगे क्या करना है? मुझे घर का तो जाना है, सिरू को भी तो कोल्ड ड्रिंक पिलानी है। हाँ ठीक है बेटा, बस यहाँ थोड़ी देर और रुक कर चलते हैं। बहुत ज्यादा फैल चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द हम सब लोगों को ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? ये शहर सुरक्षित है। सुरक्षित? आपने अभी खुद देखा ना, उस कैप्टन ने कितने लोगों को निगल लिया है। जानता हूँ, पर सब कुछ बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। क्या? कभी कभी ऐसी नई स्पीशीज को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे आखिर मतलब क्या है आपका? कहना क्या चाहते हैं? उस कैक्टस की वजह से हमारा शहर फल फूल रहा है। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम खुशी से अपने देश वापस जा सकते हो। अगर जा सकता तो जरूर चले जाता आपके इस शहर को छोड़कर। चेहरा लाल होता जा रहा है, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक है। क्या हम दूसरे शहरों से मदद मांग सकते हैं? यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। वैसे हमेशा यहाँ पर नेटवर्क रहता है, शायद इलेक्ट्रिक टावर टूट गया होगा। ये भी नहीं चल रहा। ये शहर छोड़कर हमें अभी चले जाना चाहिए। अगर हम बस टर्मिनल पर जाएंगे तो वहाँ हमें बस मिल जाएगी जिसमें हम सब बैठ के जा सकते हैं। इस वक्त यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं बस लेने के लिए बाहर जाऊंगा और वापस लेने आऊंगा आप सबको। क्या? मुझे रास्ता दिखाने के लिए मेरे साथ कौन आएगा? क्योंकि मैं शहर के बारे में नहीं जानता। क्या आप आना चाहेंगे मेरे साथ मेरी मदद के लिए? मेरा काम तो अच्छी चीजों के लिए गाना गाना है। सच कहूँ तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मेरे दोस्त तुम ही लड़ने को। मैं जाऊंगा आपके साथ। मैं हूँ एक महान जीव, रेनबो कमिंग। अचानक मेरे घुटने में दर्द हो गया है, ऐसे वक्त में क्यों हुआ? पहली दर्द दूसरी घुटने में था। माफ करना, मैं इस शॉप को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यहाँ पर तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो खुशी से जा सकते हो, पर अकेले। सुपर मार्केट है उस तरफ नहीं, उस जगह से तुम चौराहे की तरफ निकल जाना। अच्छा ठीक है, तो मैं लेकर आती हूँ। क्या? हिमावारी का ध्यान रखना। और ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। क्या आप ले आएंगे? इसमें कौन सी मुश्किल बात है, सिर्फ दूध और डायपर ही तो लाने हैं। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें यही रहना चाहिए बेटा। मैं भी जाऊंगी क्योंकि इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। तुम्हें चार्जर चाहिए ना,
बाहर खतरा है, मैं वो भी ले आऊंगा, तुम यही इंतजार करो। ठीक है, इसकी पावर खत्म होने वाली है तो आप एक बैटरी ले आइएगा, हो सके तो आप एक एक्स्ट्रा बैटरी ले आइएगा, ये स्मार्टफोन थोड़े पुराने टाइप का है, इसका एक कनेक्टर भी खराब है, और हाँ प्लीज एक अच्छी क्वालिटी का एडाप्टर भी खरीद लीजिएगा। चलो अब जल्दी करो। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। क्या तुम भी साथ हाँ? जाओगी? जैसे ही ये लोग बाहर जाए दरवाजा बंद कर देना। ठीक है।